आज इस वीडियो में आप लोगों को SBI के वेल्थ मैनेजमेंट सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके अदर फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और वहां पर SBI सर्च करना है। तो देखिए, हमारे सामने हमारा पहला लिंक आ गया है SBI.co.in, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट खुल चुकी है। तो देखिए, जो मैंने लाल कलर से डिब्बा बनाया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है SBI वेल्थ, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल चुका है। तो देखिए, जो मैंने लाल कलर से डिब्बा बनाया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है SBI वेल्थ एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब देखिए, हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है। तो देखिए, हमें इंडिविजुअल क्लाइंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो उसके ऊपर हम लोग को क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने दो कैटेगरी हैं, एक है नए क्लाइंट के लिए और एक है एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए। अगर देखिए आपके पास पहले से खाता है तो देखिए आपका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू 30 लाख रुपये का होना चाहिए, जिसमें आपका टोटल डिपॉजिट्स होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल फंड होना चाहिए और डीमैट होल्डिंग्स होना चाहिए। अगर आपके खाते में 2 लाख रुपये की सैलरी आती है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका 1 करोड़ का होम लोन है, उससे ज़्यादा है, तो भी आप एलिजिबल हैं SBI वेल्थ के लिए। अगर आप नया खाता खुलवा रहे हैं तो आपको इनिशियल 10 लाख रुपये आपको देना होगा और उसको 1 साल के अंदर आपको 30 लाख रुपए तक बढ़ाना होगा। और इसमें आपका अगर नए क्लाइंट है तो इसमें आपका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपकी 2 लाख रुपए सैलरी अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में आती है तो भी आप एलिजिबल हैं सैलरी अकाउंट में। अब देखिए, इसमें तीसरा क्राइटेरिया है, अगर आप न्यूली हैं तो इसमें आपको 1 करोड़ रुपये का SBI का होम लोन लेना होगा SBI से, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, अब हम देखते हैं फैमिली क्लाइंट्स के लिए। देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है फैमिली क्लाइंट, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने फैमिली क्लाइंट्स का पेज खुल गया है। तो देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग फैमिली क्लाइंट है, अगर आपके एक से ज्यादा मेंबर्स के अकाउंट है अगर SBI में, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है अगर आपका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू होना चाहिए SBI के साथ 50 लाख रुपए का, जिसमें आपके डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और डीमैट होल्डिंग, और आपका अगर 3 लाख रुपए आपके सैलरी में आपका आता है आपके सेविंग्स अकाउंट में आपकी फैमिली का, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा का होम लोन है, फैमिली लोन, तो भी आप एलिजिबल हैं SBI वेल्थ के लिए। अगर आप नया फैमिली के साथ अपना फैमिली क्लाइंट बनते हैं SBI के, तो आपका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू 50 लाख रुपए होना चाहिए। अब देखिए, इसमें अगर आपका सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आपकी पूरी फैमिली की है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका 1.5 करोड़ का लोन भी आप SBI से अवेल करा सकते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे SBI के फैमिली क्लाइंट के लिए। चलिए, अब देखते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है वेल्थ सेविंग्स अकाउंट, जो मैंने लाल कलर से डिब्बा बनाया हुआ है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है। तो चलिए, अब इस अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं और इस अकाउंट में आपको क्या क्या मिलता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको SBI वेल्थ डेबिट कार्ड मिलेगा, जो कि वीजा सिग्नेचर कार्ड है। जब भी कार्ड आपको इशू होगा तो इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। अब देखिए, आपको एक फ्री एड ऑन कार्ड भी मिलेगा अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएंगे। अब देखिए, इसकी विड्रॉ लिमिट 3 लाख रुपये अगर आप POS में स्वाइप करेंगे और 1 लाख रुपये तक आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हमको लॉस लाइबिलिटी मिल जाती है 4 लाख रुपये तक की। चलिए, अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। अब देखिए, वेल्थ डेबिट कार्ड में आपको 2 लाउंज एक्सेस भी मिल जाएंगे एवरी क्वार्टर। अब देखिए, इसमें आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा, जो कि SBI रिवॉर्ड्स है। अब देखिए, आपको इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। देखिए, लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर SBI क्रेडिट कार्ड, देखिए सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर 10 लाख रुपीज़ का इसमें आपको मिल जाता है। देखिए नीचे, अब इसका पांचवा फीचर है लॉकर चार्जेस, जिसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा 1 लॉकर पर क्लाइंट। चलिए, अब स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं। अब देखिए, इसका छठा फीचर, इसमें आपको ऑटो सी फैसिलिटी मिल जाती है। अब देखिए, इसमें अगर आप नया डीमैट अकाउंट भी आपको खुलवाएंगे तो देखिए इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और इसमें फर्स्ट ईयर का AMC चार्ज भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका आठवां फीचर है नॉन होम ब्रांच कैश विड्रॉल, इसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। अब देखिए, इसका नौवां फीचर है मिनिमम बैलेंस चार्जेस, इसमें भी आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो भी इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब देखिए, इसमें SMS अलर्ट चार्जेस भी इसमें आपको कोई नहीं लगेगा। चलिए, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाते हैं। अब देखिए, इसका 11वां फीचर फोन बैंकिंग सर्विसेज, तो देखिए आप इसकी फोन बैंकिंग सर्विसेज भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसका 12वां फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, रिमोट रिलेशनशिप मैनेजर, तो देखिए इसमें आपको ये अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो कि आपके अकाउंट को मैनेज करेगा। अब देखिए, इसका 13वां फीचर है ट्रांजेक्शन थ्रू अदर बैंक ATM, ये आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। अब देखिए, 14वां फीचर है SBI वेल्थ इन्वेस्टमेंट आउटलुक, तो देखिए जो SBI की वेल्थ की इन्वेस्टमेंट टीम होती है वो पूरा रिसर्च करती है म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग से रिलेटेड, जितना भी शेयर्स के रिलेटेड, वो एक पूरी लिस्ट बनाकर आपको मंथली जितना भी आउटलुक है वो आपकी ईमेल आईडी भेजेगी, जितनी भी उसकी रिसर्च होगी, तो ये एक फीचर आपको मिल जाता है। चलिए, स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आ जाते हैं। अब देखिए, इसका अगला फीचर है अदर बैंकिंग सर्विसेज, देखिए अगर आप चेक वापस कराते हैं इसका भी आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। अगर आप DT इशू करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं, इसका भी कोई चार्ज नहीं पे करना है। NEFT, RTGS, IMPS ये पूरी तरह से फ्री है। अब देखिए, अगर आप चेक पेमेंट स्टॉप करते हैं, देखिए इसका अगर आप नॉर्मल अकाउंट, उसमें आपका चार्ज लगेगा, तो अगर आपने वेल्थ अकाउंट है तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है चार्जेस फॉर डुप्लीकेट पासबुक, इसके लिए भी आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। अब देखिए, आप नीचे देख सकते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी, इस वेल्थ अकाउंट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें जो आप
आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। अब देखिए तो ये आपके सारे अकाउंट को मैनेज करेगा, और देखिए अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका इनका एक बंदा आएगा, वो घर से सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएगा, और आपको ज़्यादा बैंकिंग आवर्स मिलेंगे। देखिए आपको देखेंगे तो नॉर्मल 4 बजे तक बैंक खुलती है, तो इसमें आप 4 बजे के बाद तक भी अपना बैंक से रिलेटेड जितना काम है आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको ये भी फीचर मिल जाता है, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ अपने फ़ोन पर और अपना वीडियो कॉल के जरिए भी आप अपने बैंक से रिलेटेड जितना काम है वो भी कर सकते हैं। चलिए हम वापस से ऊपर आ जाते हैं, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर एक वो साइड में वहाँ पर लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें जो मैंने लाल कलर से डिब्बा बनाया हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है अवर प्रेजेंस, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है, तो देखिए यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करके आपका जो भी शहर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके शहर में SBI वेल्थ की ब्रांच होगी तो आप डायरेक्टली इस ब्रांच कोड को देख कर देखिए लिखा हुआ है हब ब्रांच कोड, इस ब्रांच कोड को अपनी नेट बैंकिंग में डाल के डायरेक्टली अपने खाते को SBI वेल्थ ब्रांच पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन दबा लें। चलिए मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।